मेरा सवाल था कि सर आपने कहां से एज एन एक्टर शुरुआत की, इंस्पायर्ड हुए, कैसे इंस्पिरेशन मिला इस फील्ड में आने का, फिल्म रही, थिएटर रहा, क्योंकि आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं जी, तो कैसे आपने शुरुआत की एक्टिंग की एज एन एक्टर, या सोचा मुझे एक्टर बनना है, या उस राह पर पहला कदम आपने बढ़ाया? मैं जिस मोहल्ले में रहता था वहां पर पास में ही एक ऑडिटोरियम था थिएटर का, और शाम को मैं खेलने जाता था पार्क में और लौटता था, फुटबॉल खेलने जाता था, लौटता था, तो जब लौटते वक्त मैं देखता था उस जगह पर काफी भीड़ लगी है, कुछ लोग टिकट काट रहे हैं, तो मेरी समझ में आया ये सिनेमा हॉल तो है नहीं, क्योंकि तो सिनेमा हॉल में पोस्टर्स होते हैं वो मुझे पता था, सर्कस भी नहीं है, पापा सर्कस ले गए, सर्कस का बड़ा सा तंबू होता है क्या? तो एक 8 साल के 9 साल के बच्चे के अंदर ये क्यूरियोसिटी आ गई कि वो चीज इसके अंदर कुछ है, मतलब चिड़ियाघर भी नहीं है ये, पापा जू में लेके गए, इतनी बड़ी जगह नहीं है ये, है क्या इसके अंदर? और करते करते एक दिन शाम को मैं उस टिकट काउंटर से थोड़ा सा आगे बढ़ गया, बड़े डरते डरते पास में घर था, और जो स्टाफ वगैरह थे वहां के वो सब पापा को जानते थे, तो वहां पर एक दादा थे सपन दादा, तो मैंने कहा सपन दादा मुझे अंदर जाना, घर जा, घर जा तेरे पापा को बता दूंगा, मैं घर चला गया, लेकिन मेरी जिद थी कि अंदर है क्या। ऐसे करते करते मैं रोज वहां खड़ा हो गया, सपन दादा मुझे अंदर जाना, सपन दादा मुझे अंदर। तो एक दिन उसने देखा बच्चा थोड़ा सा जिद कर रहा है, तो उन्होंने कहा एक काम कर, बिल्कुल अंदर जाएगा ना तो कुर्सियां लगी हैं, बिल्कुल लास्ट रो में जाके, रो मालूम नहीं था रो क्या होता है, बिल्कुल लास्ट में कुर्सी में जाके बैठना है, ठीक है। मैं जाके बैठ गया, मैं जाके बैठा देखा तब और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ऐसे, और एक पर्दा सा लगा है लाल रंग का, और चाय लोग कोई चाय बेच रहा है, कोई पॉपकॉर्न बेच रहा है, ऐसा सब देख रहे हैं, मैं बैठा हूँ चुपचाप। फिर एक घंटी बजी, वो घंटी स्कूल की घंटी से बड़ी मिलती जुलती थी, ये क्या है, स्कूल तो नहीं है ये। फिर थोड़ी बहुत दूसरी घंटी बजी, फिर तीसरी बजी, जब तीसरी बजी तो वो लाइट जो थी, आज मुझे पता चला एक्टिंग करके पहले एक्टर होने के बाद कि डीमर होता है, वो डीमर पे थी ऑपरेटेड, वो लाइट धीरे 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 बंद होने लगी, और वो 9 साल का बच्चा उसके लिए वो मैजिक था, क्योंकि घर की लाइट्स तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ, ये धीरे धीरे बंद क्या होता है, धीरे धीरे बंद होने लगी, धीरे धीरे बंद होने लगी, पूरा अंधेरा हो गया, और म्यूजिक शुरू हुआ अचानक, एक सितार का म्यूजिक, और उस लाल पर्दे पर एक स्पॉटलाइट बड़ी ज्यादा पड़ खड़ा, मेरे लिए सब कुछ एक जादू की तरह था। सिनेमा देखा था पापा के साथ, सिनेमा ऐसा नहीं होता, सिनेमा एक पर्दे पर चल रहा है, वो है वो है, अच्छा लगा था सिनेमा भी। फिर वो धीरे 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 पर्दा खुलने लगा, और अंदर देखा मैंने जो पर्दे के उस तरफ एक सोफा रखा है, कुछ चेयर्स हैं, एक खिड़की है, एक दरवाजा है, पर्दे लगे हुए हैं खिड़की पे, मैंने कहा यार ये तो घर है। अब कैरेक्टर्स आना जाना शुरू हुआ, और डायलॉग बांग्ला पे था, तो बांग्ला जानता था बचपन में, इंटरव्यू हुआ, मैं खड़ा होकर, मैंने कहा खत्म, मुझे नहीं मालूम इंटरव्यू क्या होता। तो जब मैं खड़ा होकर जाने लगा, देखा कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, उसका मतलब खत्म नहीं है, मतलब कुछ लोग बैठे हैं अभी भी बाहर जाने वाले, मैंने कहा कुछ लोग सिगरेट पीने के लिए बाहर गए, अच्छा ये, तो मैं बैठा रहा। फिर वही, फिर लाइट दिन, फिर वो, तो प्ले खत्म हो गया, मैं घर गया, पापा ने पूछा कहां था इतनी देर, मैंने कहा वो सपंदा वहां है ना, वहां पर मैं थिएटर देखने गया था। अच्छा तो बता के जाया कर, हम लोग परेशान थे, मुझे नींद नहीं आई। दूसरे दिन फिर मैं गया, फिर मुझे नींद नहीं आई, इस तरह से मुझे 7-8 दिन नींद नहीं आया। मुझे लगा कि ये जो मेरा घर है, मम्मी पापा का, मेरी बहन का, मेरे दोस्त हैं, ये मेरी दुनिया नहीं है, दिस इज नॉट माई वर्ल्ड, माई वर्ल्ड इज देयर। मुझे वो ज्यादा खींच रहा था बजाय इस ये दुनिया। तो मुझे लगता है दोस्तों शायद उस दिन मेरे अंदर वो एक्टर बनने का बीज आ गया था, मुझे ऐसा लगता है।